नमस्कार दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, बिहार राज्य का राष्ट्रीय पशु क्या है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे बैल, भालू, घोड़ा, गाय। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका सही आंसर हो जाएगा बैल। दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन है, आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शन हो जाएंगे महात्मा गांधी, भगत सिंह, इंदिरा गांधी, सरदार पटेल। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? आपके ऑप्शन हो जाएंगे दिल्ली में, कोलकाता में, कर्नाटक में, राजस्थान में। आपका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता में। दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन है, पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे फेफड़ा, लीवर, हृदय, मस्तिष्क। आपका सही उत्तर हो जाएगा लीवर। दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। आपका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से फेसबुक के संस्थापक कौन है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे एलन मस्क, मुकेश अंबानी, अडानी, मार्क जगरबर्ग। आपका सही उत्तर हो जाएगा मार्क जगरबर्ग। दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? आपके ऑप्शन हो जाएंगे कृष्णा, श्याम, राहुल, भगत। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा राहुल। दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन है, भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ खोला गया है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे हैदराबाद में, मुंबई में, दिल्ली में, गुजरात में। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जल्दी कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट में लिखिए। आपका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में। आपका दसवां क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी बाघ की तरह आवाज़ निकालता है? आपके ऑप्शन जाएंगे चमगादड़, कोयल, मोर, बटन पक्षी। आपका सही उत्तर हो जाएगा बटन पक्षी। आपका ग्यारहवां क्वेश्चन है, निम्न में से रामायण के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन हो जाएंगे कालिदास, वेद व्यास, कनिष्क, महर्षि वाल्मीकि। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। अगर हमारी वीडियो आप लगातार देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।